कुरुक्षेत्र शिरोमणि अकाली दल का कार्यकर्ता सम्मेलन कुरुक्षेत्र के शटलिंग रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। इससे पूर्व शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन मांगे थे और आवेदन की स्क्रीनिंग के लिए 23 सितंबर का समय रखा गया था। सोमवार को आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रेम सिंह चंदू माजरा, बलविंदर सिंह बूंदड़ ब्लॉक का व खरकड़ा पहुँचे और इनके द्वारा आवेदकों से बातचीत की और स्क्रीनिंग की गई। शियद के प्रदेश प्रवक्ता कमलजीत सिंह अजराणा ने बताया कि लोगों में शियद से चुनाव लड़ने को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। प्रत्येक हलके से तकरीबन 5-5 आवेदन भी पहुंचे हैं। अकाली दल की आज मीटिंग स्क्रीनिंग की जो अर्जी हमने दी है विधानसभा चुनाव के लिए, उसकी स्क्रीनिंग की आज मीटिंग है और लोगों में इतना उत्साह है कि हमने भी इतना नहीं सोचा था कि श्रोमणी अकाली दल के जो जनाधार है लोगों के बीच जो साख है इतनी बढ़ चुकी है। आप देखिए कि हमारे पास कुर्सियाँ भी कम पड़ गई हैं आज लोगों के लिए, आज इतना उत्साह है अर्जियाँ देने वालों का। और मैं समझता हूँ कि ये एक नीतियाँ जो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जो जिस लोग से सारे राष्ट्र में अपना नेता समझते हैं, किसान और मजदूर का नेता हैं, उन्होंने अपने जिंदगी के 16 साल जेल के अंदर बिताए, लोगों के लिए बिताए, मैं समझता हूं इससे बड़ा कुर्बानी वाला नेता शायद ही आज हिंदुस्तान के बीच में कोई। कौन कौन नेता है आप? आज बलविंदर सिंह जी, बूंदर प्रेम सिंह जी, चंदू माता, अमलोका जी, रखड़ा जी, ये हमारे आज स्क्रीनिंग के टेस्ट के लेने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं समझता हूँ कि आज 2 बजे तक हमारी जो सारी कार्रवाई है वो आज समाप्त हो जाएगी। कितने फॉर्म आए? मुझे लगता है कि इतना उत्साह है कि एक एक लड़के हल्के से 5-5 फॉर्म भी आ चुके हैं। टोटल फॉर्म तो हमारी जो हाईकमान है वो ही बता सकती है। फाइनल आज ही करेंगे? नहीं, फाइनल तो हमारी हाईकमान की टीम सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब करेंगे, लेकिन वो टेस्ट आज लेंगे भी कौन है किसके साथ कितने लोग हैं, ये सारा टेस्ट होगा आज इसी का परिणाम आने के लिए। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।